सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियां दे वल। हैलीकॉप्टर हादसे ते राजनाथ सिंह का संसद के दोनों सदनों च देंगे बयान। हैलीकॉप्टर हादसे च हुई सी 13 जणियां दी मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ समेत होर मंत्रियों ने ट्वीट करके बिपिन रावत की मौत से जताया दुख। सियासतदानों ने ट्वीट राही प्रगटाया सोग। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दिता वड्डा बयान। कहा उत्तर भारत धर्म परिवर्तन का वाधा रुझान चिंता का विषय। की है मैनू की पता की है हुण खबरां विस्थार नाल। सीडीएस बिपिन रावत दे हैलीकॉप्टर हादसे ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद दे दोनों सदनां विच बयान देणगे। दस दईए कि तमिलनाडु दे कनूर विच हैलीकॉप्टर हादसे विच सीडीएस जनरल बिपिन रावत दी मौत हो गई सी। हवाई फौज ने कहा कि दुर्घटना विच जख्मी होए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दा वेलिंगटन विच फौज दे हस्पताल विच इलाज जारी है। हवाई फौज ने ट्वीट कर जनरल रावत दे मौत दी पुष्टि कीती है। तमिलनाडु के कनूर विच होए हैलीकॉप्टर हादसे विच सीडीएस बिपिन रावत का देहांत हो गया। जो हैलीकॉप्टर क्रैश होया उस विच 14 लोग सवार सन। उस विच सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हैलीकॉप्टर विच सवार सी। सीडीएस की मौत से सीएम शिवराज सिंह चौहान, साबका सीएम कमलनाथ, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने सोग प्रगटाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट च लिखा कि भारत ने एक हीरो नूं गवा दिता है। भारतीय हथियारबंद सेनावां दे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत, उन्हां दी पत्नी श्रीमती मधुलिका सिंह दे बेवक्ती दुखदाई देहांत ते मैं दिल्ली हमदर्दी प्रगट करदा हां। मधुलिका रावत मध्य प्रदेश दी धी सी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे परिवारिक लोक सभा हलका बठिंडा दे कस्बा रामा मंडी विच मुख सेवादार खुशबाज सिंह जटाणा दी अगुवाई विच रामा मंडी विखे होई वड्डी रैली नूं संबोधन करदिआं वड्डी ललकार मारी ते कहा कि बादलां वल्लों शुरू कीता रेत ट्रांसपोर्ट ते केबल माफिया राज खत्म कर दित्ता। इस दे नाल लोक हितां विच लए इतिहासिक फैसले लए ने। रैली दे भरवें कट तों गदगद होए मुख्यमंत्री ने वड्डे ऐलान करदिआं कहा कि करोड़ां रुपए सड़क ते तख्त श्री दमदमा साहिब दे पवित्र शहर नूं सुंदर बनाउण लई खर्चे जाणगे। उन्हां इक वड्डा हस्पताल ते स्कूल वी बनाउण दा ऐलान कीता। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ते सीनियर कांग्रेसी आगू लाल सिंह ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ मोर्चा खोल दिता। लाल सिंह ने पटियाला विखे स्थित अपनी रिहायश से हलका सनौर दियां 50 तो वध पंचायतों नूं ग्रांटां दे चैक तक सीम कीते। इस मौके उन्होंने कहा कि चोन जाबते तो पहला विकास कार्यों का आगाज किया जाएगा ता जो कोई अड़िका ना पवे। अज असी हलका सनौर दियां पंचायतां उन्हां नूं विकास वास्ते चैक देण वास्ते कांग्रेस पार्टी की सरकार कैप्टन अमर जिहड़े चरणजीत सिंह चन्नी जी जी दे मुख्यमंत्री है उन्होंने सानू 7.5 करोड़ रुपया हलका सनौर वास्ते पंचायतों नूं देण वास्ते ये सेवा लाई है। उस वास्ते इलाके दियां जिहड़ियां 232 पंचायतां उन्हां नूं 7.5 करोड़ रुपया जिहड़ा ग्रांटां दे तौर ते चैक वंडणे आ। अज सिर्फ पंचायतां बुलाईयां पंच सरपंच कुछ अज बुलाए है कुछ 2 दिन बाद बुलावांगे। ये कट्ठे हो नहीं सकते एकदम नहीं वंडे जा सकते। घट्टो घट्ट 50 चैक असीं अज वंडांगे बाकी सारे चैक जिहड़े आ उहनां नूं दे देणे आ। और कोड लगन तो पहलां पहलां ये विकास शुरू हो जाणा। उस तो पहलां हल्के दीआं सड़कां जिहड़ियां RDF का पैसा 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया सी। उन्होंने सड़कों के कोई 25-26 सड़क फिर दी उन्होंने एसटीमेट बन गए और सारे टेंडर भी उन्होंने हो चुके हैं। कुछ रह गए उन्होंने काम भी जल्दी शुरू हो जाना और कई जगह शुरू हो चुका है। जिहड़ा ये कहना है कि विकास के पैसे रोक ले सड़कों के पैसे रोक ले कुछ बंद ने कहा यह बिल्कुल सरासर गलत है। असीं 10 करोड़ दे एसटीमेट मंडी बोर्ड वल्लों पास करके टेंडर लग के काम जिहड़ा शुरू हो गया।
श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी दिहाड़े मौके गुरु साहब की शहादत को प्रमाण किया। इस मौके उन्होंने सिख कौम के नाम संदेश दिता कि अज भी भारत में कुछ लोग ने जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, खास तौर पर पंजाब के सरहदी सूबे में सिख हिंदू धर्म के लोगों धर्म परिवर्तन वाल प्रेरित किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि मुगल दौर में डर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, अज बहुत चुस्ती फुर्ती के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जबरो जुलम सितम ये आम लोगों पर बहुत ज़्यादा भारी हो रहे सन और मजलूमों के हक के खड़द हाँ जोर जुलम के खिलाफ धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने अपनी शहादत दी। इसको भुलाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत के उत्ते। जो असी उस समय का अज के समय का मुतालिया करते हैं तो अज भी देखते हैं असी कि भारत के कुछ लोग हैं जिहड़े धर्म परिवर्तन लगातार जिहड़ा है वो करी जा रहे, खास तौर के उत्ते पंजाब दे विच जिहड़ा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिए दे विच धड़ाधड़ सिख धर्म के लोगों को भी हिंदू धर्म के लोगों को भी धर्म परिवर्तन वाल प्रेरित जिहड़ा किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि उस दौर दे विच डर दे नाल धमका के ते जबरो जुलम दे नाल धर्म परिवर्तन कराया जा रहे सी, अज बड़ी चुस्ती चलाकी दे नाल लालच दे के गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत मनुखी हकों वास्ते हुई है, मानवीय अधिकारों वास्ते हुई है और जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुई है। असी जिन्हें भी नानक नाम लेवा दुनिया भर के सिख हाँ धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की महान शहादत को सलाम करते हैं। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की लासानी ते अदुती शहादत नूं भुलाया नहीं जा सकता। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब लुधियाणा के गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब विखे श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके खास तौर पर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पहुंचे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत संसार के अंदर लामिसाल और अदुती शहादत है। संसार का हर सिख श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत को प्रणाम करता और बार बार कोट कोट श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को प्रणाम है। जिथे सारे सिख जगत वालों ये शहीदी दिहाड़ा अज मनाया जा रहा है उत्थे गुरद्वारा दुख निवारण साहब लुधियाना विखे ये पावन शहीदी दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाया जा रहा है। सरदार प्रतपाल सिंह जी जो गुरुद्वारा साहब के मुख्य सेवादार ने उन्हां वल्लों सारी संगत के सहयोग के नाल 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दी दिल्ली के चांदनी चौक के गुरद्वारा सीसगंज साहब के स्थान के उत्ते शहादत हुई है। उन्हां दी शहादत मानवी अधिकारां दी रक्षा लई है, मनुखी अधिकारां दी रक्षा लई है। उन्हां दी शहादत जिहड़ी है वह जबर जुलम के खिलाफ है, उन्हां दी शहादत जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। जो असी अजोके दौर दे विच झात मारदे हां तां अज वी असी देखदे हां कि धर्म परिवर्तन जिहड़ा है कितना कितने खास तौर पर उत्तरी भारत के चल रहा है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि उस वक्त जबर जुलम धक्के दे नाल धर्म परिवर्तन कराया जा रहा सी, अज लालच ते डर कार गुमराह कारण धर्म परिवर्तन के जिहड़े यतन हो रहे हैं। मैं सारिया सिख संगतां नूं, सिख जथेबंदियां नूं और इंडिविजुअल जिहड़े सिख प्रचार दे खेतर दे विच विचरदे आ उन्हां नूं इहो ही अपील करूँगा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत नूं समर्पित वध तो वध संगत नाल राबता बनाया जाए, संगत नूं गुरमत नाल जोड़िया जाए, संगत नूं सिख सिधांतां सिख इतिहास की जानकारी जिहड़ी है वह जरूर दित्ती जाए। पातशाही 9वीं श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मलेरकोटला विखे गुरु तेग बहादुर गुरद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मनाया गया। इस समागम विच श्रोमणी कमेटी दे जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजौली विशेष तौर ते पहुंचे। गुरद्वारा दी प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां दा विशेष सन्मान किया गया।
शहीदी दिहाड़ा लगभग सारे संसार दे विच बहुत ही श्रद्धा सत्कार ते अकीदत नाल मनाया जा रहा है। उचेचे तौर पर जिवें संसार पद्धर ते मनाया जांदा उस तरह मलेरकोटले की सर जमीन दे उत्ते भी इत्थों दीआं संगतां ने मुसलमान भरावां ने सिख भरावां ने हिंदू वीरां ने सारयां ने रल के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का ये पवित्र दिहाड़ा इत्थे मनाया। तो सिख पंथ का मलेरकोटले नाल इक बहुत गूढ़ा रिश्ता है। जदों पूजनीक माता गुजरी जी महान शहीद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब जी नूं सरहंद दी वजीद खां दी अदालत दे विच सज़ा सुनाउण दी गल कीती जा रही सी तां इको इक व्यक्ति सी नवाब शेर मुहम्मद खां मलेरकोटला जिन्हां ने साहिबजादियां नूं ते माता जी नूं रिहा करन लई अपनी आवाज़ बुलंद कीती सी। इह केड्डा गूढ़ा रिश्ता है जिहड़ा खालसा पंथ कदे नहीं भुलदा और जिन्हों असी हा दा नारा करके प्रवान करते हैं मानते हैं। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद अपनी भैन मालविका सूद नाल मोगा दे बेदी नगर स्थित बिरध आश्रम पहुंचे। इस मौके सोनू सूद ते मालविका दोवां दे आश्रम विच रहिंदे बुजुर्गां नाल मुलाकात कीती ते उन्हां नाल गल्लबात कीती। सोनू सूद ते मालविका ने बुजुर्गां दे नाल केक कट्टिया। इस दे नाल ही उन्हां इस आश्रम लई बुजुर्गां लई LED TV दित्ता। उन्हां कहा कि सानू अपने मापिआं दा ख्याल रखना चाहीदा ते उन्हां नूं बिरध आश्रम च नहीं छड्डना चाहीदा। गीत सुन तत्ता तत्ता रिलीज होया सी। इस गीत नूं लैके विवाद इन्ना वध गया है कि सोनी मां दे घर दे बाहर फायरिंग तक हो गई। सोनी मां ने फायरिंग पिछे लखा सिदाणा दा हद दस्सिया। उन्हें कहा है कि पुलिस नूं भी शिकायत दर्ज करवा दित्ती। उत्थे दूजे पासे रणबीर बाठ दा कहना है कि लखा सिदाणा ने उसनूं फोन ते धमकी दित्ती सी। दूजे पासे लखा सिदाणा ने सारे इल्जामां तों इनकार कीता है। पुलिस ने मामले च बनदी कानूनी कारवाई करन दी गल कही है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇਰੀ ਛਵੀ ਆ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰ? ਗੋਲੀਆਂ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਮੰਗ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਆਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਮੈਂ? ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਫੇਰ ਮੰਗੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। पिंड फुल्लांवाल विखे हुए कबड्डी टूरनामेंट दौरान शरेआम कानून दीआं धज्जियां उड़दियां दिखाई दित्तियां। पुलिस दी मौजूदगी दे बावजूद टूरनामेंट च आए कई नौजवान हथियारां समेत इधर उधर घूमते देखे गए। पर हैरानी दी गल इह है कि मौके ते मौजूद पुलिस नूं इह हथियार नज़र नहीं आए। दरअसल मंगलवार नूं थाणा सदर दे इलाके पिंड फुल्लांवाल च कबड्डी दा टूरनामेंट सी। इत्थे कांग्रेस ते अकाली दल तों इलावा कई होर पार्टियां दे आगुआं ने शिरकत कीती ते वड्डी गिणती च लोक वी हाज़र सन। इस टूरनामेंट विच कई नौजवान अपने नाल हथियार वी लै के आए सन जदों कि CP दे ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਗਪੁਰਦ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
अमल में लिया जा रही है। सर पुलिस को इसकी सूचना कदों मिली थे, किस हथियार के नाल इस लेडीज का कतल किया? देखो सानू सूचना जी सब मतलब कि करीब 8 बजे के दरम्यान जी सी उन्होंने मिली सी। हथियारों के मामले थोड़े जा करदा के नाल फिलहाल जो मामला सामने आ रहा पिछे करदा के नाल जरा वह का कतल हो अपनी यही कतल की तस्दीक कर रहा उन्होंने अपने पति की वेट की जा रही है होने तो बाद जी अगली कार्रवाई है। मतलब देखो फिलहाल सामने जे 3-4 जे सामने आ रहे हैं उन्होंने सिर के एक गल के उत्ते सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी पोस्टमार्टम तो बाद पता लगे। बहुत मीटर पाले सी मैं, मैंने मजीठिया साहब ने लवाया ही दरबार साहब उथो मैं कर करके इन्हां नूं पालिया। ये काम ते लगे सी उथे नशा लग गया, नशे के कारण हौली 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 नशा वध गया, वध के विच ये हुण चलो नशा घटिया ही गोली फट्टा खांदे घर तक लाउंदे। 14 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा वा। दूजी गल घर वाला तो टेंपू चला ही लिया के जिन्हें होंगे खा छड़। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।